मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू ग्रामर स्टैंडर्ड फोर द चैप्टर 11 टेंस। टेंस के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंड जो थर्ड पार्ट था टेंस का, फ्यूचर टेंस का, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें जो सेकंड पार्ट है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, तो उसमें पढ़े, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस में क्या होता है, इसमें जो वर्क है वो खत्म, जो वर्क है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, एंड पूरा ही नहीं हो रहा है। ओके, और इसमें कोई समय भी नहीं दिया या टाइम भी नहीं दिया कि हाँ इतने टाइम में ये पूरा हो जाएगा या हो रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट इसके जो रूल है वो है इस वाले सेंटेंस के जो आप इस वाले टेंस में जो आप यूज करेंगे वो विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। जो फ्यूचर टेंस का था उसमें आप सिर्फ, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट का था उसमें विल और शैल का यूज करते। अब इसमें जो कंटिन्यूएशन है तो इसमें आप बी का यूज करेंगे, विल बी एंड शैल बी। और बात बाकी वैसे ही था जिसमें आप लास्ट क्लास में पढ़ा था, आई और बी के साथ में आप क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में आई और बी के साथ में शैल बी का, एंड और जो अदर सब्जेक्ट है उसके साथ में आप अदर सब्जेक्ट के साथ में विल बी का यूज करेंगे। ओके, एंड इस टेंस में जो मैन हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करेंगे, जो मैन वर्ब होगी उसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, सो आगे हमें रूल नहीं लिखे हैं, बट रूल वही है डेली वाले, जैसा कल था इसमें वैसे इसमें है। आज सिर्फ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सो एग्जाम्पल है, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। सो ही तो सब्जेक्ट हो गया, विल बी यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने बोला था कि ही जो है वो आई और शैल के, सॉरी, आई और बी के साथ में सिर्फ शैल का यूज होता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ में विल का यूज होगा। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस का, इसलिए विल बी होगा राइटिंग ए लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो आप ही विल, विल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे, जैसे ही विल बी नॉट राइटिंग ए लेटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंटरोगेटिव अगर है तो विल जो है वो आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर राइटिंग ए लेटर, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, सो ये एक्सरसाइज है, इसको आपको इंग्लिश में करना है, ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश। तो फर्स्ट सेंटेंस इसका, हम कल झांसी जा रहे होंगे। इसमें देखो, हम कल झांसी जा रहे होंगे, अभी गया नहीं बट जाएगा, तो उसके बारे में बोला हम कल झांसी जा रहे हैं। सो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो फर्स्ट है बी, हम की होती बी, एंड बी के साथ में, बी के साथ में हम लोगों ने बोला था बी और आई और बी के साथ में हम क्या करेंगे, सेल का यूज। ओके, सो सेल का यूज करेंगे यहाँ पे, आई, सॉरी, बी, शेल और जा रहे होंगे कंटिन्यूस में, सो बी का यूज करेंगे। फिर गो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो गोइंग हो गया। फिर गोइंग के साथ में टू का यूज होता है, झांसी, झांसी की स्पेलिंग आपको जे कैपिटल बनाना है, जे एच ए एन एस आई, झांसी हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको टुमोरो का यूज करना है। ओके, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू। नेक्स्ट है यहाँ पे, वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। ये हम आपको सारे सेंटेंस करके बता देंगे, आप सब कर लेना। बे लड़के, दोज बॉयज, फिर यहाँ पे विल बी शोर मचाने की होती है, मेकिंग नॉइज। ओके, तो यहाँ पे आप करेंगे मेकिंग ए नॉइज, एम ए के आई एन जी, मेकिंग ए नॉइज, पूरा होती है एन वाई एस ई, नॉइज। ओके, इन द क्लास। नेक्स्ट ईयर माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा, ये निगेटिव का है, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट है राम का भाई वहां नहीं खेलता रहेगा, खेल रहा होगा, तो राम का भाई वहां नहीं खेल रहा होगा, तो राम का भाई है राम्स ब्रदर, आप राम का भाई कैसे लिखेंगे, राम्स। हमने आपको बताया था जब हम लोगों ने पजेसिव में पढ़ा था, तो उस तरीके से आपको राम्स ब्रदर लिखना पड़ेगा। ओके, अपोस्ट्रोफी एस के बारे में बताया था, पढ़ा था। सो राम्स ब्रदर विल नॉट बी प्लेइंग हियर देयर, इसकी क्या होती है, इसकी देयर होगी, जो कि आप लास्ट में यूज करेंगे यहाँ। नेक्स्ट, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, क्या मोहन, अब यहाँ पे ये इंटरोगेटिव का है तो क्या होगा, विल, विल आगे आएगा, विल मोहन रीडिंग हिज बुक। नेक्स्ट है, क्या वे तुम्हारी सहायता करेंगे, तो यहाँ पे भी आप वे की होगी, तो विल दे, विल दे बी हेल्पिंग यू। ओके, तो इस तरीके से ये सेंटेंस है जो मैंने आपको एक बार बता दिया, आप उनको घर पे कर लेना। ओके, बस इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे सेल और बिल का यूज करना, समझ गए होंगे आप कि किसके साथ में क्या यूज करना है। ओके, तो ये वाला सेंटेंस तो आज था, एंड नेक्स्ट इसका जो थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, सो थैंक यू।